हे जुगाड़ूज, वेलकम बैक टू जुगाड़। तो आज की इस वीडियो होने वाली व्हाट्स इनसाइड की, जिसमें मैं क्या करता हूँ, कोई भी टेक्निकल स्टफ लेता हूँ। जैसे कि आज की इस वीडियो में मैंने लिए ये सारे गामा कारवान, इसको मैं खोलूंगा, इसके अंदर का क्या टेकी स्टफ है, जितना भी अंदर कुछ इसमें झोल झाल है वो करूंगा। और इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में एक कुछ ऐसा मैंने सारे गामा के अंदर किया है, जिसके थ्रू इसके जितने भी ओरिजिनल सॉन्ग्स थे, सारे जो बॉलीवुड ट्रेंडी ट्रेडिशनल 90s के सॉन्ग थे, वो मैंने निकाला है। तो बहुत से मज़ेदार से स्टफ्स होने वाले इस वीडियो में, तो देखो। और वीडियो के एंड में हो सकता है मैं आपसे कुछ एक स्पेशल बात करूं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कारवान की बैंड बजाना। तो पहले तो डर लग रहा है, क्योंकि दादाजी का कुछ भी गड़बड़ हो तो बैंड बज जाएगी मेरी। 6 गैसकेट्स है यहाँ पे, सिलिकॉन के गैसकेट्स होते हैं बेसिकली, सुंदर दिखने के लिए, यार प्रॉपरली वो कवर कर पाए, ऐसे एकदम प्योर सिलिकॉन के होते हैं। तो जल्दी से तो पहले मैंने तो सब ये निकल लिया। निकल कैसे रहा, मेरा पॉइंटेड प्लायर है, नोस प्लायर पॉइंटेड है, तो बस हल्का सा पिन करके 6 के 6 मैंने निकाल दिया। अब स्क्रू ड्राइवर से मैंने सारे स्क्रूज खोल लिए नियोडियम मैग्नेट लगा के। ये वाला जुगाड़ मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है कैसे स्क्रूज एकदम ऊपर आ जाते हैं। छोटे मोटे जुगाड़ मैं हर अपनी वीडियो में बताता रहता हूँ, जाकर पुरानी वीडियो देखो, अगर नहीं देखो नॉलेज मिलेगा तो इसकी बात तो पक्की बात है। 6 मैंने स्क्रूज खोल लिए, उसके बाद मैंने उसके प्राइंग टूल के लिए मैंने एक मेटल की स्केल ली है, तो उसे खोल के बैक पैनल हमारा खुल गया नॉर्मली, सब उसमें भी जुगाड़ है भाई, स्केल से खोल लिया मैंने। फिर इसके बाद क्या किया है, यहाँ पे पीछे USB जो होता है और जो बैटरी का है वो तो कनेक्टर है, उसको निकाल लिया ताकि बैक पैनल जो है पूरा आ जाए। तो यही हमारी लिथियम आयन बैटरी, सिंगल लिथियम आयन बैटरी, मतलब 2200 mAh की बैटरी है। ये बैटरी मैं अपने हर प्रोजेक्ट में यूज़ करता हूँ, बहुत कॉमन और मेरी फेवरेट बैटरी में से एक है। तो ये निकालता कैसे हूँ, ये भी पुराने प्रोजेक्ट में मैंने बताया है कैसे मैं निकालता हूँ इनको, पुराने लैपटॉप की बैटरी से निकाला हूँ। अगर चाहिए इसकी स्पेशल वीडियो मैं बना सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल खोल लिया तो पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में हमारा होता है वॉल्यूम रोटेटर स्विच और हेडफोन जैक, जो एक क्या कहते हैं केबल से मेन मदरबोर्ड में अटैच होती है। हेडफोन जैक है और वॉल्यूम रोटेटर स्विच हमारे लेफ्ट साइड और केबल से अटैच है। ऊपर हमारा ऑन ऑफ स्विच LED और जो फ्रंट के साइड में हमारा क्या कहते हैं गाना चेंज करने वाला रोटेटिंग स्विच होता है, दिखाता हूँ जगह, जो फ्रंट में ये रोटेटिंग स्विच है ना, इसका जो डायल है वो पीछे इस मदरबोर्ड में सोल्ड है और वो गया है हमारे मेन मदरबोर्ड में, सेम केबल से अटैच है। नीचे हमारा हो गया स्पीकर, स्पीकर में ये लगा सब ऊपर, जो बेसिकली एयर को कंप्रेस करता है और जो बेसी वाली साउंड आती है ना, धम धम वाली, वो साउंड ये करता है। तो इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं, वरना खराब होगा तो कतई बैंड बज जाएगी। लेफ्ट राइट दो उसके जो स्पीकर होते हैं उसके कनेक्टर आप देख सकते हो, लेफ्ट वाला और ये राइट वाला कनेक्टर हो गए, तो ये स्पीकर हो गया। साइड में जो ब्लूटूथ हो गया सारे गामा USB FM वाला जो पैनल होता है, उसके स्विचेस लगे हैं और उसकी केबल जो है नीचे से निकल के जा रही है और मेन मदरबोर्ड में अटैच हो गई। टॉप में अगर हम देखें तो भैया ये जो हैंडल जो हम पकड़ते हैं, मैंने ध्यान दिया तो दो ब्लैक वायर से निकल रहे हैं, तो एक वायर तो एंटीना का जो मदरबोर्ड के ANT से अटैच है, मतलब एंटीना, और दूसरा वायर भी एंटीना का है लेकिन वो नीचे कहीं अटैच हो रहा है, तो वो तो मैं नहीं बता सकता कहाँ पे अटैच हो रहा है। अब हो सकता है ग्राउंडेड हो या कुछ हो, तो है एंटीना का सिग्नल प्रॉपरली के। तो ये होगा हमारा मदरबोर्ड। ये जो आप कनेक्टर देख रहे हो ये हमारा USB वाला कनेक्टर था, USB रीसेट स्विच और हमारा क्या कहते हैं पावर सॉकेट जो था जिससे हम चार्ज करते हैं उसको, वो हो गया। और ऊपर जो रेड वाला है ये हमारे बैटरी का हो गया, दो कनेक्टर ये हो गए। अब आप एक ध्यान से देखो तो एक हल्की सी ये यू शेप की कॉइल सी आपको दिख रही है, ये जो होता है ये मॉड्यूल ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है, जो हम ब्लूटूथ का सिग्नल जो हम पहुंचता है हमारे रेडियो में वो यहाँ से पहुंचता है, ये मदरबोर्ड है। अब जब मैंने इतनी खुरपेची की तो अचानक से मेरे को ध्यान मिला कि भाई एक यहाँ पे microSD स्लॉट है, और यहीं से इस वीडियो की कमाल बात चालू हुई। भैया इसको मैंने जैसे ही निकाला, इसमें निकला 16 GB का SanDisk का microSD कार्ड। मेरा दिमाग घूमा, मैंने कहा भाई इसको तो लगाना है कंप्यूटर में, देखना है। और मेरे को अजीब सा मेरे को लगा यार, इसके 5000 जितने सारे गाने थे वो हो सकते हैं। मैं भाग के लाया अपना कार्ड रीडर, लगाया इसमें, और जब मैंने कंप्यूटर में लगाया ना तो सीरियसली मजा आ गया मेरे को। अब वो आपको दिखाऊंगा मैं, मैंने कंप्यूटर में ठोका और असली जान इस वीडियो की इसी जुगाड़ से मिली मेरे को। कुछ रैंडम था, बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ये निकलेगा कि नहीं। मैंने खोला ड्राइव तो भैया 16 GB की कार्ड इसमें लगी थी और ऑलमोस्ट पूरी भरी थी, 1.49 GB खाली था। तो भैया कार्ड देखा मैंने, मैंने कहा भाई अब तो लॉटरी लग गई। तो आर्टिस्ट और गीतमाला नाम का दो फोल्डर था और इसमें कंप्लीट सारे गाने थे। मैंने एक बार चेक किया कि भाई बज रहा है कि नहीं। तो भाई गाना तो प्रॉपर बज रहा है, दैट मींस पूरा सही है। मेरे को लगा इनक्रिप्टेड ना हो फाइल, इस टाइप का मेरे को लगा, लेकिन बज रहा है। मैंने देखा भाई सारे ढेर सारे जितने इनके गाने होते सब
644 songs इस गीतमाला फोल्डर में था और बाकी के जो सॉन्ग्स थे वो आर्टिस्ट वाले सॉन्ग में थे, तकरीबन 4381 सॉन्ग्स थे, मतलब कंप्लीट सारे सॉन्ग्स भरे थे। मैंने कहा यार ये तो सेव कर लो इसको, पहले कॉपी में सेव कर लेता हूँ जल्दी से इसकी, दादाजी को अपने दे दूंगा, उनका भी मूड हो जाएगा, मोबाइल में उनके डाउनलोड कर लूंगा, बेचारे यूट्यूब से बड़े उनके थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मैं सारे गाने को जल्दी से कॉपी किया। अच्छा जब मैं ये सब सोच रहा था, मैंने कहा यार एक और जुगाड़ वाली तिक्रा मेरे दिमाग में घुसी, मैंने कहा क्या हुआ अगर मैं एक एडिशनल एसडी कार्ड इसमें डालूं तो क्या एक गाने वो चलेंगे कि नहीं। तो गाने तो मैंने सारे ढेर सारे कॉपी कर लिया, मैंने कहा अब भाई वो जुगाड़ करके देखते हैं। तो मैंने एक एडिशनल 32 GB की एसडी कार्ड ली, मैंने कहा एसडी नहीं मतलब माइक्रो एसडी कार्ड ली, मैंने कहा इसमें गाने मैं डालूंगा, अब इसको चला के डाल के देखूं कि गाने क्या चल पाते कि नहीं चल पाते। कुरपेजी कुछ ना कुछ करते हैं भाई, जुगाड़ फॉर एवरीथिंग है, कुछ तो करेंगे। तो मैंने जल्दी से इसको किया फॉर्मेट, मैंने कहा फॉर्मेट कर देते देख लेते हैं, और अपने डाउनलोड में जाके एक दो गाने मेरे पास पड़े हुए थे ऐसे ही नॉर्मली कॉपीराइट फ्री गाने, मैंने उसको कॉपी किया अपने एसडी कार्ड में लगाया भैया, मैंने कहा पेस्ट करो देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो मैंने निकाली एसडी कार्ड, ये तो एकदम काफ़ी अंदर स्लॉट था ना, तो बार बार मेरे को वो अपने क्लिपर से इसको अंदर एकदम डालना वालना पड़ रहा था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैंने डाला इसको। मैंने वही बैटरी की पावर सप्लाई ऑन की और ऐसे ही बैक पैनल को लगाया दबाया, मैंने कहा चलेगा चलेगा, मेरे को पता था चलेगा, लेकिन नहीं चला। मैंने सारे तिक्रम की लेकिन नहीं चला। फिर मेरा दिमाग, मैंने कहा चल क्यों नहीं, गाने का नाम एक्चुअली इसमें नीचे दिखाते हैं, इस वजह से चला नहीं। मैंने कहा क्या करें भैया, मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़, मैंने कहा उसमें गीतमाला और आर्टिस्ट का फोल्डर था, मैंने कहा एक और काम करते फिर से निकालते हैं इसको और एक बार एक फोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर गाने रखेंगे, तब देखते हैं क्या होता। फिर मैं पहुंचा कंप्यूटर में भाई, मैंने आर्टिस्ट का नाम कॉपी किया, एक फोल्डर बनाया उसके अंदर अपने चारों गाने पेस्ट किए, एक गीतमाला का फोल्डर कॉपी किया ठीक बनाया, उसके अंदर एक दो गाने मैंने और डाले, मैंने कहा अब तो चलना चाहिए। अब मैंने कॉपी किया, कर लिया भैया कॉपी, फिर एसडी कार्ड निकाला, मतलब माइक्रो एसडी कार्ड निकाला, बार बार एसडी कार्ड पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं, हाँ तो मैंने वापस इंस्टॉल किया, फिर किया, मैंने कहा अब तो चलेगा भाई, अब नहीं चला तो ठीक है देखा जाएगा यार। चलो मैंने, मेन था हमारा मोटो इस वीडियो का कि मैं आपको डिस्क्राइब करूँ अंदर क्या है, अंदर क्या टेक है। तो मैंने चलाया, फिर मैंने कहा यार अभी भी नहीं चल रहा, फिर मैंने को ध्यान आया अचानक से, क्लिक किया कि यार गीतमाला वाला फोल्डर बन रखा, उसको क्लिक करता हूँ। तो मैंने ऊपर जो बटन है उसको मैंने क्लिक किया, क्योंकि नाम आने लग गए थे ना, नाम आ रहे थे लेकिन गाना नहीं चल रहा था। फिर मैंने गीतमाला वाला फोल्डर कॉपी किया तो उससे प्रॉपरली ये वर्क करना चालू हो गया। अब भैया सुन लो, प्रॉपरली चल गया। मैंने कहा भैया बहुत खुरपेची हो गया, अब इसको शांति से बंद करके चुप्पे से इनके कमरे में वापस रख देता हूँ। मैंने मेमोरी कार्ड अपनी वापस निकाली, मैंने कहा यार ठीक है गाना मैंने कॉपी कर लिया है ठीक, अब अगर गाना का क्या, मैंने जो पुरानी इसकी नॉर्मल एसडी कार्ड थी जिसके साथ थी उसको मैंने वापस इंस्टॉल किया, बैटरी को वापस बैटरी वाले कनेक्टर में लगाया, यूएसबी वाले कनेक्टर को वापस इसमें लगाया, चला के एक बार चेक कर लिया। ज़्यादा नहीं बजाऊंगा भैया, कॉपीराइट का वो आ जाएगा नौटंकी। तो मैंने बंद किया तो प्रॉपर चल रहा था, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैंने सारे ढेर सारे जल्दी जल्दी स्क्रू लगाए, मैंने कहा यार बंद करो उसको। लेकिन हाँ ये प्रोजेक्ट जो था बहुत मज़ेदार मेरे को लगा, होप तो आपको भी अच्छा लगा ये खुरपेची करने में। मेन मोटो ये था बेसिकली इसके, इस रेडियो के अंदर क्या टेक अंदर फिट है, किस वजह से चलता है। तो मेन जुगाड़ भाई अंदर एसडी कार्ड लगाए उसके अंदर सारे गाने, और अगर आपको गाने चाहिए ये तो मेरे को कमेंट करो, अगर 3-4 लोग बोलेंगे हमें कि हाँ बाद में मैंने ये उल्टा लगा दिया, मैं भूल गया उसको निकाल के मैं वापस ये कर देता हूँ। हाँ अगर कोई बोलेगा कि गाने मेरे को चाहिए वाले भाई 14 GB का गाना अगर होगा तो मैं अपने ड्राइव में अपलोड कर दूंगा, ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको गाने चाहिए होंगे इसके ओरिजिनल तो मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना यार, और अगर आपको भी ऐसे टेक्निकल चीज़ों में स्टफ में नॉलेज है या कोई भी इस टाइप का चीज़ है पसंद रहती है तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, भरपूर आपको इस टाइप का कंटेंट आपको मिलने वाला है इस पर। और अगर आपको सारे गामा का सारे सॉन्ग्स चाहिए या ऐसे रिलेटेड सॉन्ग्स आपको पसंद है तो यार मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं कोई लिंक का ट्राई करूँगा जिससे आप ये सारे 14 GB के गाने डाउनलोड कर पाओगे। चलो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।